अटैक करने की कोशिश की गई है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जेडी वैंस। ट्रंप के फोन पर भी हैकर्स की तरफ से हमला किया गया है और एफबीआई ने यह चौंकाने वाला दावा किया है। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी यह दावा किया है। हालांकि चीन सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो अमेरिका के चुनाव में चीन जो है वो किस तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रिपब्लिकन्स की तरफ से उम्मीदवार हैं, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार है जेडी वैंस, उनके मोबाइल फोन में सेंध लगाने की कोशिश जो है वो की गई है। और ना केवल जेडी वैंस बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के भी फोन को हैक करने की हैकर्स ने कोशिश की है। और एफबीआई का दावा है कि इसके पीछे चीन का हाथ है। वहीं आपको बता दें कि चीन की सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर हैकर्स का हमला, तो वहीं जेडी वैंस के फोन पर भी हैकिंग की कोशिश की गई है। चीन के हैकर दुनिया के कई देशों में साइबर अटैक कर चुके हैं। वहीं अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच बड़ी खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वैंस को फोन को निशाना बनाया गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर जब अमेरिका में शीर्ष नेताओं के डेटा को निशाना बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि चीनी हैकरों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के सीनियर अधिकारियों को भी टारगेट किया था। इसी सप्ताह अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी कि चीनी हैकर्स ने जिनके फोनों को निशाना बनाया था उनमें डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस भी शामिल है। वहीं ट्रंप के प्रचार प्रवक्ता स्टीव चौंग ने कहा है कि कमला हैरिस ही चीन का उत्साहवर्धन कर रही हैं। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हैकर कोई जानकारी निकाल पाए हैं नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के फोन हैक करने की कोशिश हो रही थी। इसके साथ ही साथ एफबीआई और अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि अमेरिकी सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या चीन ने अमेरिका के कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में दखल देने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ एफबीआई ने संबंधित कंपनियों को नोटिस भी जारी किया और कहा है कि वो तकनीकी सुधार करें। अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां भारत ने रूस से दोस्ती निभाई है और एफएटीएफ